So hey guys, welcome back to my video. So today is a really special vlog. I say this every time because the vlogs are really special, that's the reason. So aaj hum ek undiscovered place discover karne ja rahe. Actually YouTube pe uske vlogs hai but bahut sare vlogs nahi hai aur ek choti si place hai but happening place hai. To aaj use hum shoot karne ja rahe hain. Plus the thing is that it is a vineyard, it is for the wine lovers. Especially आपको मालूम होगा कि नासिक इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर द ग्रेप्स एंड द वाइन फ्रॉम द ग्रेप्स आर रियली रियली फेमस. यू माइट बी नोइंग सूला वाइनयार्ड, यॉर्क, देर लॉट ऑफ वाइनयार्ड्स, बट दिस वाइनयार्ड इज स्पेशल बिकॉज इट्स पॉकेट फ्रेंडली. अगर आप सूला जाओ या कोई अदर वाइनयार्ड जाओ तो उधर जो वाइन की जो प्राइजेस है दे आर रियली रियली एक्सपेंसिव और आई बिलीव द क्वालिटी इज ऑल्सो सेम ओवर हियर. बट द थिंग इज ये थोड़ी गाँव के साइड पर है तो इसीलिए और प्लस एम्बियंस इज़ रियली रियली वंडरफुल. तो आप देखिए कि मैं आपको कौन से वाइन ऐड लेके जा रहा हूँ तो आपको मैं रास्ते में बता दूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं. एंड एन्जॉय द वीडियो एंड डू वॉच इट टिल द एंड, यू वुड लव इट. थैंक यू. ग्रेपबेरी वाइनयार्ड जो कि है स्थित नांदूरनाका की तरफ जाने का रोड है. तो ये औरंगाबाद और नासिक हाईवे इसको सीधा डायरेक्टली कनेक्ट करता है. अगर आप बॉम्बे या फिर कोसी भी अगर साइड से आ रहे हो तो आपको सीधा आना है नासिक औरंगाबाद हाईवे पे और ये सीधा आपको कनेक्ट करेगा टूवर्ड्स औरंगाबाद. और लास्ट डेस्टिनेशन जो इस रोड का होगा, ये जो रोड जहाँ पे एंड होता है वो है साईखेड़ा. अगर आप किसी को भी साईखेड़ा पूछ लो या फिर गूगल मैप पर भी अगर डाल दो तो आप डायरेक्टली ये रोड पे कनेक्ट हो जाओगे. और आपको बीच बीच में साइंस भी है ग्रेपबेरी वाइनयार्ड की. इट इज़ अ स्मॉल लाइक वाइनयार्ड है बट इट्स वेरी लाइक एम्बियंस जो है वहाँ का एक बहुत अलग है. और एक आप वहाँ पे बैठोगे तो आपको दिखाई दूंगा मैं. टिल देन यू कैन जस्ट एन्जॉय द व्यू. सामने जो आप देख रहे हो दैट इज़ द पावर स्टेशन फॉर होल नासिक, दैट इज़ एक्लेरा पावर प्लांट. सो एन्जॉय. मुंबई आगरा हाईवे से आपको आना है तो जैसे आप आओगे तो गांव लगेगा शिलापुर. तो एक गाँव है शिलापुर में. तो शिलापुर में आप देख सकते हो ये जो ग्रेपबेरी वाइनयार्ड का डायरेक्टली बोर्ड लगा हुआ है. अगर आप मुंबई आगरा हाईवे से आ रहे हो तो इट्स अराउंड 7 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर टू हियर. और उधर आके आपको ग्रेपबेरी वाइनयार्ड का जो आपको बोर्ड दिख रहा है सामने, तो यहाँ से आपको सीधा लेना राइट, एक कच्चा रोड लगेगा. सो आई शो यू हाउ वी आर गोइंग थ्रू आउट. सो आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे जाना है. सो दिस इज़ द बोर्ड और ये मैं कच्चे रास्ते की बात कर रहा हूँ जो डायरेक्टली यहाँ पे है. सो ये आपको कंटिन्यू करना है समवेयर अराउंड 200 मीटर्स, दैट्स इट. तो आपको मैं वो भी दिखा दूंगा ब्लॉक के अंदर, सो देयर वुड बी नॉट एनी कन्फ्यूजन.
आना है ये ब्लॉग में कि आपके पास कौन सी वाइन है और कब चालू हुआ, बेसिकली आपका नाम क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? मेरा नाम दीपक कहांडर है। दीपक कहांडर। कहांडर एक ग्रेट बेरी विनियर 2009 को चालू हुआ है। ओके। और हमारे पास अभी तीन टाइप का वाइन है। ओके सर। सो उसमें रेड वाइन है कैबर्नेट शिराज, व्हाइट में शेनियन सोविनोन है। ओके। और स्वीट में चाहिए होगा तो हनी बेस है, डिजर्ट वाइन रहता है। ओके। तो हमने स्वीटनेस के लिए उसमें हनी ऐड किया है इस वाइन। ओके। सो ये तीन टाइप के वाइन है। तो इसके बेसिकली प्राइसेस कैसे है? प्राइस रेंज कैसी है? ये रेड वाइन कैबर्नेट 495 का है। 495। तो हम इधर डिस्काउंट देंगे 400 को जाता है। ओके। व्हाइट का भी 495 है। ओके। और ये 400 को जाता है। और हनी बेस स्वीट वाइन है। ओके। ये 480 को जाता है। 480 को जाता है। और आपका इसके सिवा कहीं ब्रांच नहीं? नहीं, कहीं ब्रांच। दिस इज द ओनली प्लेस। हां, ओनली प्लेस। ओके। और इसके ओनर भी आप खुद ही हो? हाँ, मतलब मेरे पिताजी। ओके। आपके पिताजी, मतलब आपके फैमिली बिजनेस है? फैमिली बिजनेस है, ब्यूटीक वाइनरी कंसर्न है। वंडरफुल, वंडरफुल। और आप स्नैक्स भी सर्व कर देते हो? हां, स्नैक्स में भी मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हमारा रेड 375 ml का भी बॉटल है। Okay. बड़ा बॉटल 750 का आता है, छोटा बॉटल 375 का है। सो वो रेड वाइन का 220 को जाता है, व्हाइट का भी 220 और हनी बेस जो है तो 250 को जाता है। आप पीछे देख रहे हो मेरे, दैट इज एंग्लेरा पावर हाउस, जैसे मैंने आपको बताया। और आप ये रास्ता जो एक अच्छा रास्ता जहाँ से हम अंदर आए, हार्डली 200 मीटर्स है हाईवे से डायरेक्टली। और उसके ही बगल में ये जो फार्म है, ये ओनर को ही बिलोंग करता है जिनका ये ग्रेप बेरी वाइनयार्ड है। तो ये वही ग्रेप फार्मिंग करके वही ग्रेप से वाइन प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट वाइन इज सर्व विद। और आप ये व्यू एक ब्यूटीफुल वाइन के ग्लास के साथ एंजॉय कर सकते हैं। खाके तो जाएंगे यार, ऑफ कोर्स। बेसिकली वाइन अगर आए तो वाइन तो पीनी ही है हमें। सो बेसिकली कैमरे के पीछे जो है, ही इज आसिम शेख, ही इज माय क्लोजेस्ट फ्रेंड, वी आर अ वर्क कलीग्स। सो यस, बट ही डजंट ड्रिंक एट ऑल, व्हेन आई डू अ लिटिल बिट। सो ये है वाइन जो उन्होंने उन्होंने हमें रिकमेंड करी है, जो कि रेड वाइन विद हनी एक्सट्रैक्ट जो भी है उन्होंने बोला। सो इट्स वी गोना ट्राई दिस, एंड वी हैव ऑर्डर्ड दिस कोथिंबीर वड़ी विद द वाइन एंड cheese cubes and potato garlic balls. So this is all what we are going to have it, and I'll tell you the taste of the wine. I'm not a wine tester, but jo bhi mujhe thoda bahut experience hai to uske hisab se main aapko bata dunga. And a bite of a cheese cube with a wine is a heaven. Never let me go.
तो बेसिकली जो हमने वाइन पी अभी, तो वो वाइन जो है आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, पूरे इंडिया में। द थिंग इज कि जो वाइनरी है एक्सपोर्ट नहीं करती, ये पॉकेट फ्रेंडली इसीलिए क्योंकि ये जो वाइन है खुद बनाते हैं और खुद यहाँ ही बेचते हैं, बाकी ये कहीं भी आपको वाइन मिलेगी नहीं, इसीलिए पॉकेट फ्रेंडली। अगर ये शॉप्स को बेचते तो सेम बॉटल जो मैंने 250 की ली वही बॉटल आपको बाहर मिलेगी 500 की, समवेयर अराउंड। एंड द टेस्ट, आई शुड से दिस कि आप एक बार तभी यहाँ विजिट करें, इट्स वेरी नियर टू द सिटी और बजट फ्रेंडली, प्लस एम्बियंस जो है दैट इज लविंग। आई बिलीव आसिम भाई यू वुड एग्री विद दैट, राइट? यस। सो आप एक बार आइए, एम्बियंस देखिए, और दे गोना स्टार्ट फूड एज वेल ओवर हियर वेरी सुन, एंड होपफुली हम यहाँ वापस आइए विथ ऑल द फैमिलीज एंड इंक्लूडिंग एवरी वन फ्रेंड्स, और एक पार्टी के लिए, एक छोटी पार्टी, सो वी विल गोना शूट दैट एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विथ अस इन दिस होल ब्लॉग, एंड वी थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच अस। Thank you very much.